दोस्तों, आज हम घर में बना रहे हैं काचरे की चटनी, जो राजस्थान में बहुत फेमस है। काचरे के लिए हमने लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक और 2 गांठ लहसुन के, और थोड़े बहुत काचरे, जैसे कि बड़े हो तो 4 पीस, छोटे हो तो 5-6 पीस, और 15 पीस करीब हमने लिया है लाल मिर्च, जो पहले से पानी में भिगो के रखी है। तड़के के लिए हमने लिया है 1 स्पून जीरा, 1 स्पून साबुत धनिया और थोड़ी कटी हुई। सबसे पहले हम लेंगे पीसने के लिए जग, उसके अंदर डालेंगे ये काचरी, जीरा और नमक और चिला हुआ लहसुन। उसके बाद में पानी निकाल के ये मिर्ची डाल देंगे हम। थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ताकि ये बारीक पिसा जाए। फाइनली हमारा ये रेडी है। हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में थोड़ा तेल पहले से डाल रखा है हमने। थोड़ा तेल गर्म होने के बाद हम लगाएंगे तड़का, जिसमें तड़के के लिए हमने साबुत धनिया, कटी हुई लहसुन की तीली और जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम देंगे लहसुन की तीलियाँ, जो ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसके अंदर। हल्का ब्राउन करना है। इसके बाद जीरा और धनिया डाल देंगे, ब्राउन होने तक पकाएंगे। ब्राउन हो चुका है, अब हम डालेंगे इसके अंदर ये मिर्ची का पेस्ट। सारा साफ करके पूरा डाल देंगे। थोड़ा इसमें पानी डाल दिया हमने, ताकि अच्छा सा साफ हो जाए, और पानी भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। पानी अब जितना अच्छे तरीके से ऐड करोगे, उतना मिर्ची अच्छी पकेगी। मैंने और थोड़ा पानी डाला है, और अच्छा सा पूरा साफ करके ये इसमें डाल दिया है। अच्छा से फ्राई हो रहा है हमारा, और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। बहुत ही नाइस और हर राजस्थानी की मतलब पसंद की चीज़ होती है, जो हर आदमी इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसी तरह लहसुन की चटनी भी बनाई जाती है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको लहसुन की चटनी भी दिखाई जाएगी। 5 मिनट धीमी आंच में छोड़ दें, ताकि अपने आप पकने लग जाए और पानी टूट जाए इसका। पानी हमारा टूटने लग गया है, धीरे धीरे तेल भी आने लग गया है ऊपर। तकरीबन 5 मिनट और लगेगी, तेल एकदम ऊपर आ जाएगा। दोस्तों, चटनी पकने को तैयार हो रही है, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते वीडियो में। तेल हमारा आ चुका है, और चटनी भी हमारी एकदम तैयार है। अब हम सर्व करेंगे इसको। मैंने लिया है पराठे के साथ, आप इसको बाजरे रोटी के साथ खा सकते हो, गेहूं की रोटी के साथ खा सकते हो, और मैं खाऊंगा पराठे के साथ। वाओ, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।